हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ रेस्टोरेंट जैसे पास्ता, जो कि बहुत टेस्टी और चटपटा होता है और बच्चों को तो ये बहुत पसंद आता है। तो चलिए आज हम घर पे इसको बनाते हैं जल्दी और झटपट से, घर के सही सामान से। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए वो हम पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने लिया है 2 चम्मच ये केचप है, टमाटो सॉस, 1 चम्मच चिली सॉस, 2 छोटा छोटा टमाटर, और इसमें हमने लिया है 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा अदरक, 2 प्याज हैं, 1 छोटा सा गाजर है और 1 छोटा वाला शिमला मिर्च है, थोड़ा सा धनिया पत्ता और थोड़ा सा करी पत्ता। अगर करी पत्ता आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। और पास्ता आप कोई भी टाइप का पास्ता बना सकते हैं सेम तरीके से, और अगर आपके पास पास्ता मसाला है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। और अब हमने क्या किया है, सबसे पहले पानी गैस पे चढ़ा देना है। हमने इतना सारा पास्ता के लिए हमने 2 गिलास पानी लिया है। अब इसको पहले हम गरम होने देंगे, एक उबाल आने देंगे, उसके बाद इसमें हम पास्ता डालेंगे। और इसमें थोड़ा सा तेल भी डाल देना ताकि पास्ता आपस में चिपके ना। बस अब इसको हमें एक उबाल आने देना है। आप देख सकते हैं मेरे पानी में उबाल आ चुका है, तब इसमें हमें पास्ता डाल देना है। अब पास्ते को ज़्यादा देर नहीं पकाना है, इसको थोड़ा ही देर पकाना है, क्योंकि ज़्यादा देर पकाने से ये क्या होता है, टूट जाता है। 1 से 2 उबाल आएगा, इसको हम बंद कर देंगे और इसको ना इस तरह से चलाते हुए हम पकाएंगे ताकि बीच बीच में चिपके ना, नहीं तो आपस में सारा चिपक जाता है इस तरह से। अब हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से चेक कर लेंगे ये सॉफ्ट हुआ कि नहीं। तो देख सकते हैं ये सॉफ्ट हो चुका है, तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब इसको इस तरह से छान के अलग रख लेंगे, इसमें नहीं छोड़ना, इसमें छोड़िएगा तो क्या होगा, आपस में सब चिपक जाएगा। इस तरह से छान के इसको इस तरह से फैला देना, तो इस तरह से फैला के रख देना है ताकि आपस में चिपके ना। तब तक हमें गैस अब ऑन करके कढ़ाई डालना। अब मेरा कढ़ाई गर्म हो रहा है, इसको पहले हम गर्म होने देंगे, उसके बाद इसमें तेल डालेंगे। कढ़ाई मेरा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम तेल डाल देंगे, इसको गरम पहले होने देंगे। तेल गरम हो चुका है तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन और मिर्च भी हम साथ में ही डाल देंगे। इसको पहले ज़्यादा इसको नहीं भूनना है, थोड़ा सा ही इसको भूनना है। तो ये भून चुका है, अब हमें इसमें डाल देना है प्याज, और प्याज डालने के बाद इसको भी भून लेना है, इसको भी ज़्यादा नहीं भूनना है। और अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। तो इसको हम थोड़ा देर भूनने देंगे। तो देख सकते हैं मेरा प्याज भून चुका है, मुझे इतना ही इसको भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना। अब इसमें मुझे डाल देना है टमाटर और इसे भी अच्छे से भून लेना है। तो आप देख सकते हैं मेरा टमाटर भून गया है, हमें इसको इतना ही भूनना है। अब इसमें हमें डाल देना है सब्जी जो हमने काट के रखा था, आपके पास अगर बीन्स है तो वो भी आप डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है, इसमें आप जितना चाहे उतना सब्जी डाल सकते हैं। इसको भी हमें ज़्यादा इसको नहीं भूनना है, थोड़ा ही भूनना है क्योंकि इसको क्रंची रखना है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। अब हम इसे में करी पत्ता इसमें हम डाल देंगे, आप चाहे तो प्याज के साथ भी करी पत्ता भून सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ही डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं ये भी मेरा भून गया है, इससे ज़्यादा इसको नहीं भूनना है, बस इतना ही इसको भूनना है। अब हमें इसमें क्या करना है, डाल देना है
चिली सॉस, उसके बाद डालना है टमाटो सॉस, हाँ, और अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। अब हमें इसमें डाल देना है थोड़ा सा पास्ता पाउडर और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देना है। तो अब ये हो चुका है। अब हमें इसमें क्या करना है, थोड़ा सा पानी डाल देना है, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा डालना है ताकि पास्ता एकदम जूसी और ग्रेवी से भरा हुआ हो और खाने में भी अच्छा लगे और सूखा सूखा ना लगे इसके लिए। और आप देख सकते हैं मेरा पास्ता एक भी नहीं चिपका है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अब हमें इसमें पास्ता डाल देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है इस तरह से। देखिए कितना सुंदर देखने में लग रहा है, कलर भी कितना अच्छा आया, एकदम जूसी लग रहा है देखने में, पूरा एकदम भर गया है। देखिए इसको बस 2 मिनट इसको भून लेना है, ज़्यादा नहीं इसको भूनना है। देख सकते हैं मेरा पास्ता बनके रेडी हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे धनिया पत्ता और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। बस हो गया, अब कर देंगे गैस को ऑफ। अब देख सकते हैं मेरा पास्ता कितना सुंदर बन के रेडी हुआ है, देखने में भी कितना टेस्टी लग रहा है। तो इसको आप ज़रूर बनाएं और ट्राई करें और कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक तो ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि ये कैसा बना है। और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।